हे यू ऑल फैसिलिटी पीपल एंड वेलकम बैक टू फ्लो व्लॉग्स। दोस्तों आज की अपनी यात्रा होने वाली है 22417 वाराणसी न्यू दिल्ली महामना एक्सप्रेस में। महामना एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन हुआ था इन द ईयर 2016 में और करंटली इस वक्त कई पेयर्स ऑफ महामना एक्सप्रेस चल रही है, लेकिन उसमें से सबसे पहली महामना एक्सप्रेस है ये वाराणसी न्यू दिल्ली महामना एक्सप्रेस। तो चलिए आज की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। एक मैं आपको डिटेल रिपोर्ट देने वाला हूँ इस पूरी ट्रेन जर्नी का। तो चलिए आज की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं सीधा वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से और बाकी सारी बातें सफर के दौरान करेंगे। तिरंगों को सलामी देते हैं और आप शाम के समय वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन कितना ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ऑलमोस्ट अंधेरा छाने वाला है, चलिए सीधा अंदर चलते हैं रेलवे स्टेशन के। प्लेटफॉर्म नंबर 7 से आज महामना एक्सप्रेस का डिपार्चर होगा शाम को 6:55 पे। गाजियाबाद शहर का WAP5 आज हमें वाराणसी जंक्शन से न्यू दिल्ली के बीच में एंड टू एंड लेके जाएगा। ये रहा आज का अपना कोच, स्लीपर क्लास में अपनी जर्नी होगी, कोच नंबर है S9। अपना जो कोच आज का होने वाला है लोकोमोटिव, उसके बाद SLR, देन जनरल क्लास, उसके लोकोमोटिव से तीसरा कोच आज का अपना होने वाला है। चलिए तो अपने कोच के अंदर चलते हैं। नॉर्मल ये अपना ICF कोच है और देख सकते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन है, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन तो काफ़ी कमाल है कोच का। महामना एक्सप्रेस को इन द ईयर 2016 में इनॉग्रेट किया था और ये देश की सबसे पहली महामना एक्सप्रेस है। महामना एक्सप्रेस को इनॉग्रेट किया गया था ना ताकि इसके अंदर ICF के जो पुराने कोचेस है ना उनको रिफर्बिश करके, मतलब मॉडल रैक बना के ना नई नई एमिनिटीज़ वगैरह जैसे नाइट लैंप वगैरह, बैटर कुशनिंग वगैरह, इन सब के साथ जोड़ के ना इस ट्रेन को चलाया गया था। और इसके ना फेयर भी है ना जो वो बाकी नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेनों से ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं। लेकिन अभी मैंने इस ट्रेन की हालत देखी, ट्रेन में 16 कोच लगते हैं लेकिन इस ट्रेन में मुझे अब तक एक भी महामना एक्सप्रेस लिवरी का जो कोच होता है ना वो नहीं दिखा। तो मतलब यार रेलवे एक तरह से, या कहें जो जोनल डिवीजन वाले हैं ना, वो एक तरह से भाई पब्लिक के साथ स्कैम कर रहे हैं, क्योंकि इस रूट पे चलने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस भी इसी रूट पे चलती है वाराणसी से न्यू दिल्ली के बीच में, सेम इसी का पाथ फॉलो करती है। लेकिन भाई उसका तकरीबन फेयर जो है ना स्लीपर क्लास का वो 440 या 445 रुपये के करीब है और इस ट्रेन में आपको 495 यानी 495 रुपये पे करने होते हैं। मतलब आप सोचिए एक पैसेंजर से 50 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। आप फेयर ज़्यादा ले रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिस फैसिलिटी के लिए फेयर ज़्यादा ले रहे हैं अगर आप वो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप एक तरह से नॉर्मल जो पैसेंजर्स हैं उनके साथ यार धोखाधड़ी कर दे रहे हैं। तो यार इस चीज़ पर रेलवे को ध्यान देना चाहिए भाई, आप चार्ज किस बात के लिए कर रहे हैं, और जो कंसर्न अथॉरिटी है ना भाई उनको इसके ऊपर देखना चाहिए, या तो आप इसका फेयर कम कीजिए। और अभी ना कई सारी महामना एक्सप्रेस ऐसी हैं जिनको LHB भी कर दिया गया है, तो भाई मतलब आप उसमें तो और एक तरह से स्कैम कर रहे हैं, इसमें तो खैर छोड़िए कर ही रहे हैं, लेकिन जिनको आप LHB कर दे रहे हैं उसके बाद उनका फेयर रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, मतलब भाई वही है ना यार नॉर्मल लोग क्या ही करते हैं, आराम से ट्रैवल करके चले जाते हैं, उनको ये भी नहीं पता रहता कि आप उस चीज़ की फैसिलिटी के पे कर रहे हैं। बट जो कंसर्न थॉट होती है उनको इसका गलत यूज़ नहीं करना चाहिए यार, कम से कम आप जिस चीज़ के लिए पैसा ले रहे हैं भले आप 10 रुपये ज़्यादा लीजिए, 50 रुपये ज़्यादा लीजिए, 100 रुपये ज़्यादा लीजिए, लेकिन यार वो चीज़ तो प्रोवाइड कीजिए। वैसे ही आजकल पता ही नहीं लगता कि कौन सी ट्रेन दुरंत है, कौन सी स्लीपर है, ऊपर से महामना एक्सप्रेस का भी यही हाल हो गया। मैं 2 साल बाद मैं इसमें जर्नी कर रहा हूँ और यार फर्स्ट इंप्रेशन अभी मैंने जब देखा ना, ट्रेन क्लीन वगैरह काफ़ी है, सब कुछ सही है, बट यार जिस चीज़ के लिए आप पैसे ले रहे हो यार अगर वो कोच ही हटा देंगे तो क्या मतलब बनता है। डॉट ऑन टाइम शाम को 6:55 हमारा डिपार्चर हो चुका है वाराणसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से। यहाँ बेगमपुरा एक्सप्रेस के रेक शंट किए जा रहे हैं। बेगमपुरा एक्सप्रेस ने काफ़ी डिमांडिंग ट्रेन है जो कि कनेक्ट करती है वाराणसी को जम्मू तवी से, और ये ना मेरे हिट लिस्ट में है भाई, इसे मैं जल्द ही कवर करने वाला हूँ। WAP2178 महामना एक्सप्रेस की जर्नी के हम सबसे फर्स्ट हॉल्ट जौनपुर के जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहां पे महामना एक्सप्रेस की निर्धारित पहुंचने की टाइमिंग है रात्रि के 7:48 और यहां पे ये ट्रेन 2 मिनट का हॉल्ट लेती है। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में ना वैसे 3-4 मेजर रेलवे स्टेशन है, जैसे जाफराबाद हो गया,
जौनपुर सिटी हो गया और जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। जो जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है ना, वो अयोध्या वाली लाइन पर सिचुएटेड है। जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन में टोटल 3 प्लेटफॉर्म, यहाँ पे टोटल 34 ट्रेन आके हॉल्ट लेती हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट को ना द IAS कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से ना कई सारे IAS PCS ऑफिसर निकले हैं। आमतौर पर महामना एक्सप्रेस ना इस रूट पे जौनपुर, निहालगढ़ और सुल्तानपुर, इन्हीं 3 रेलवे स्टेशन में ना ज़्यादा फील होती है। बनारस से ना काफ़ी कम पैसेंजर्स इस ट्रेन को बोर्ड करते हैं, मतलब जिनको लास्ट मोमेंट पे स्लीपर क्लास में टिकट नहीं मिलता है ना, जैसे मुझे। मैंने इसका पता टिकट जर्नी से एक दिन पहले निकाला था और मेरा इसमें टिकट कन्फर्म हो गया। तो अगर आप इसमें ऑफ सीजन ट्रैवल करते हैं ना, तो आपका 30-40 वेटिंग आराम से इसमें कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन शिवगंगा एक्सप्रेस या बनारस सुपरफास्ट में आप ट्राई करेंगे ना, उसमें तो भाई 10-12 वेटिंग भी कन्फर्म नहीं होती है। तो अगर आपको एंड मोमेंट पर ट्रैवल करना है ना स्लीपर क्लास में, तो महामना एक्सप्रेस आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा बनारस से न्यू दिल्ली के बीच में। वरना ये मोस्टली ना जौनपुर, निहालगढ़ और सुल्तानपुर के लोगों को ज़्यादा कैटर करती है, क्योंकि एक तो इसकी प्रायोरिटी वगैरह अच्छी है, दूसरा इसके हॉल्ट्स कम है। यहाँ देखिए प्लेटफॉर्म से पूरे कोच एकदम डिटैच है, तो मतलब लोगों को चढ़ने और उतरने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, खासतौर पर एल्डरली लोग। यहाँ अपना सिग्नल हो गया है, ट्रेन का डिपार्चर भी जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन से हो चुका है। बहुत ही शांत ये रेलवे स्टेशन है, बहुत ही कम ट्रेनें आके यहाँ पे हॉल्ट होती है। जो ट्रेनें सुल्तानपुर की ओर जाती है ना, सिर्फ उन्हीं ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट होता है, उसमें से भी कई सारी ट्रेनें इसे स्किप करती हैं, जैसे काशी महाकाल एक्सप्रेस जैसे ट्रेनें। हमारी ट्रेन यहाँ से तकरीबन 90 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलेगी और सीधा जाके रुकेगी सुल्तानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। सुल्तानपुर ना उत्तर प्रदेश के अयोध्या डिवीजन के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट को सर्व करता है, और ये शहर ना गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी ना हमारे हिंदुज्म में एक काफ़ी पवित्र नदी है, और इसके किनारे किनारे ना मेजर सिटीज़ भी आते हैं, जैसे अपना प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे ही सिचुएटेड है। महामना एक्सप्रेस की सुल्तानपुर जंक्शन पर अराइवल टाइमिंग है रात्रि के 9:06, और यहाँ पर यह ट्रेन मात्र 2 मिनट का हॉल्ट लेती है, और इसी वजह से मेरे ख्याल से ना ये जो पैसेंजर्स वगैरह है ना एकदम बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है, कि मतलब सोच चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बस ट्रेन के अंदर बैठ जाए। ऑल तो हमारी यहाँ पर अपने निर्धारित समय से 5 मिनट बिफोर आई है। सुल्तानपुर जंक्शन का स्टेशन कोड है SLN 60+, ट्रेन से यहाँ पे हॉल्ट लेते हैं, और कुछ ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट भी होती है, जैसे अहमदाबाद सुल्तानपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, मुंबई सुल्तानपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सुल्तानपुर आनंद विहार सद्भावना एक्सप्रेस। सुल्तानपुर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ से एक ब्रांच लाइन चल जाती है आगे अयोध्या की तरफ। एकदम पैसेंजर्स की अफरा तफरी हो रखी है। ऑल तो यहाँ पर हमारी ट्रेन बिफोर आई है, फिर भी ये लोग समझ नहीं रहे हैं। देखिए आराम से सब भाग दौड़ के ट्रेन के अंदर बैठना चाहते हैं। स्टेशन पे आपको वेटिंग रूम मिल जाएगा, साथ ही साथ कई सारी खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी। प्लेटफॉर्म देखिए यहाँ पे काफ़ी साफ सुथरे हैं। इन रीजन के स्टेशन का मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि आराम से स्टेशन के पर बाकायदा बोर्ड दिया जाता है कि आपको इस पॉइंट के लिए यहाँ पे आप ट्रेन बदल सकते हैं। जैसे आप सुल्तानपुर जंक्शन पे लखनऊ, जौनपुर, प्रयागराज, अयोध्या के लिए ट्रेन चेंज कर सकते हैं। फाइनली 10 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद हमारा प्रस्थान हो चुका है सुल्तानपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। ये चीज़ रहता है ना कि स्लीपर क्लास में अगर आप ट्रैवल करेंगे ना, तो आपको बैकग्राउंड नॉइज़ से मतलब भाई थोड़ा परेशान रहना पड़ेगा। निहालगढ़ ना उत्तर प्रदेश के अमेठी डिस्ट्रिक्ट को सर्व करता है। वैसे आपको एक मजे की बात बताऊं, बनारस से लखनऊ के बीच में ना टोटल 3 रूट्स, इंडायरेक्टली आप कह सकते हैं 4 रूट है, लेकिन 3 ऐसे रूट्स हैं जिन्हें कॉमर्शियली ट्रेन लेती है। पहला रूट है लखनऊ सुल्तानपुर बनारस रूट, दूसरा रूट है लखनऊ भदोई प्रतापगढ़ रायबरेली वाला रूट, और तीसरा रूट है जो कि जाता है लखनऊ जौनपुर शाहगंज होते हुए आगे बाराबंकी के रास्ते लखनऊ तक। तो ये जो सुल्तानपुर वाला रूट है ना, ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है लखनऊ बनारस को कनेक्ट करने के लिए। निहालगढ़ पे हमारी ट्रेन की एक्चुअल टाइमिंग थी पहुंचने की 9:06,
56 मिनट पे, और यहाँ पे इस ट्रेन को 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। यहाँ पे भी मजे की बात पता है, ट्रेन निर्धारित समय से तकरीबन 15 मिनट बिफोर आ चुकी है। स्टेशन कोड है NHH। तकरीबन 40 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट करती है। 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ से आपको ना मतलब काफ़ी अच्छी खासी कनेक्टिविटी मिल जाएगी मेजर मेजर सिटीज़ जाने के लिए, इंक्लूडिंग अभी हाल ही फिलहाल में यहाँ पे उदयपुर सिटी पाटलिपुत्र हमसफर एक्सप्रेस का भी हॉल्ट अप्रूव हुआ है। अगर आप निहालगढ़ आ रहे हैं ना, तो भाई यहाँ के समोसे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन ऑल्थो रात के 10 बज चुके हैं तो एक भी यहाँ पे समोसे का आउटलेट नहीं है, तो ये चीज़ मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ। वरना यहाँ के समोसे भाई बहुत ही टेस्टी होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन यार टेस्ट में उनका काफ़ी कमाल होता है। लोकोमोटिव के पीछे कोच रहने का बस यही ड्रॉबैक होता है ना, कि आप स्टेशन के मतलब मेन पोर्शन से काफ़ी वंचित हो जाते हैं। मतलब देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुन सन्नाटा है। करेक्ट 10 बजे हमारा डिपार्चर हो चुका है निहालगढ़ रेलवे स्टेशन से। अब हमारा अगला हॉल्ट होने वाला है लखनऊ चारबाग एनआर रेलवे स्टेशन। तकरीबन हमें 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, और इस ट्रेन के पास अभी भी 95 मिनट यानी 95 मिनट्स बचे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आउटर पर हमें ट्रॉल ना किया जाना, तो हम आराम से लखनऊ रेलवे स्टेशन बिफोर पहुँच सकते हैं। यहाँ देखिए त्रिवेणी एक्सप्रेस के हाइब्रिड LHB रेक्स पार्ट है। मुजफ्फरपुर आनंद विहार सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम इस वक्त आ चुके हैं उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ के लखनऊ चारबाग एनआर रेलवे स्टेशन में। लखनऊ में ना वैसे 3-4 मेजर रेलवे स्टेशन है, जैसे लखनऊ चारबाग हो गया, लखनऊ जंक्शन NER रेलवे स्टेशन हो गया, अभी हाल ही फिलहाल में न्यूली इनोग्रेटेड गोमती नगर रेलवे स्टेशन, इसके अलावा ऐशबाग रेलवे स्टेशन है। लेकिन उन सभी में ना लखनऊ चारबाग और NER रेलवे स्टेशन, ये दोनों ना काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट और बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। महामना एक्सप्रेस का लखनऊ चारबाग NER रेलवे स्टेशन पर अराइवल टाइमिंग है रात्रि के 11:45। 10 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद यहाँ से इसका प्रस्थान 11:55 पर हो जाता है। ऑलमोस्ट 10 मिनट बिफोर हमारी ट्रेन यहाँ पे आई थी, लेकिन लखनऊ के आउटर पर हमारी ट्रेन तकरीबन ना 40-50 मिनट पहले ही आ गई थी। लखनऊ के आउटर पर इसे काफ़ी देर रोका गया। लखनऊ ना उत्तर प्रदेश की कैपिटल होने के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है। एक टाइम पर ना कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, आज भी वो उत्तर प्रदेश की कॉमर्शियल कैपिटल है, लेकिन बाद में आबादी बढ़ती गई और अभी करंटली उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर लखनऊ है। यहाँ पे आपको मतलब वो हर तरह की फैसिलिटीज मिल जाएगी जो कि एक टॉप टायर सिटीज में मिलती है। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से ना आपको भारत के हर कोने में जाने के लिए ट्रेन मिल जाएगी। कुछ चुनिंदा ऐसी डेस्टिनेशन ही होगी जहाँ से लखनऊ कनेक्ट नहीं होगा, वरना आपको यहाँ से मतलब ऑल ओवर इंडिया जाने के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी। और एक मैं आपको मजे की बात बताऊँ, लखनऊ का चौधरी चरण इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन दोनों का जो कोड है ना वो एकदम सेम है, LKO। यहाँ आपको स्टेशन पर ना खाने पीने की कई सारे वैरायटीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे आप फ्रूट वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं, जैसे बनाना हो गए, ग्रेप्स हो गए, इधर आप केक वगैरह परचेज़ कर सकते हैं, और तो और आपको यहाँ पर बुक्स वगैरह मतलब हर तरह की एमिनिटीज़ मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे मोबाइल के एसेसरीज वगैरह लाइक पावर बैंक केबल, चार्जिंग केबल, यहाँ मतलब एडाप्टर वगैरह हर तरह के आपको एसेसरीज मिल जाएंगी। अपने निर्धारित समय रात्रि के 11:55 से 30 मिनट की देरी से हमारा डिपार्चर हो चुका है लखनऊ चारबाग एनआर रेलवे स्टेशन से। ट्रेन का अगला हॉल्ट होने वाला है बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहां पे तकरीबन ये ट्रेन सुबह 3 बजे पहुंचती है। तो अभी मैं जाता हूं अंदर, थोड़ी देर सो लेता हूं, उसके बाद सुबह आग जहां पे भी खुलती है आप सभी से वहां पे डायरेक्ट मुलाकात करेंगे। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं सुबह आपसे, देखते हैं कहां पे आग खुलती है। तब तक आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।
इसका फेमस गाजियाबाद कर्व। यहाँ हमारा पैरेलल एक्शन हो रहा है दरभंगा न्यू दिल्ली क्लोन स्पेशल हमसफर एक्सप्रेस से। सुबह 7:20 पे हम आ चुके हैं अपने जर्नी के पेनल्टीमेट हॉल्ट दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। आमतौर पे जितनी भी ट्रेनें दिल्ली बाउंड की होती है ना उनमें मेजोरिटी ऑफ ट्रेन्स को गाजियाबाद जंक्शन पे हॉल्ट दिया जाता है क्योंकि यहाँ से लोग उतर के ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गाजियाबाद की तरफ जा सकते हैं। यहाँ सामने आ चुकी है न्यू दिल्ली से चलकर देहरादून की ओर जाने वाली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस जो कि इंडिया के वन ऑफ द स्लोएस्ट शताब्दी एक्सप्रेस में आती है। गाजियाबाद ना एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन, यहाँ से टोटल 3 लाइनें बाइफिक्रेट हो जाती है। एक लाइन यहाँ से चल जाती है खुर्जा होते हुए अलीगढ़ की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है मेहरोली होते हुए मुरादाबाद की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है न्यू गाजियाबाद होते हुए मेरठ सिटी की तरफ। रियासी शहर WF7 हॉलिक अहमदाबाद न्यू दिल्ली स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस। टॉट ऑन टाइम सुबह 8:05 पर हम पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो अगर जर्नी एक्सपीरियंस की बात की जाए तो देखिए इसके अंदर जो महामना एक्सप्रेस की ओरिजिनल लिवरी है ना या उसके कोचेस थे वो नहीं है, लेकिन इसके अलावा ट्रेन की पंक्चुअलिटी अच्छी थी, ट्रेन की क्लीननेस वगैरह अच्छी थी। ICF कोचेस होने के बाद भी LHB से भी अच्छा मेंटेनेंस था ट्रेन का, टॉयलेट इसके बार बार साफ हो रहे थे। 14 घंटे की जर्नी के अंदर इसके तकरीबन 2-3 बार कोचेस साफ हुए, अंदर से क्लीननेस वगैरह हुई और ट्रेन के अंदर पेंट्रिक आ रहा है तो इसके अंदर आपको खाने पीने की भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस मेरा एक वही इशू है कि यार इसका एटलीस्ट फेयर रिड्यूस होना चाहिए। अगर आप इसके अंदर महामना एक्सप्रेस के वो फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट इसका फेयर रिड्यूस करना चाहिए। ऑल थ्रू ट्रेन काफ़ी अच्छी है, अगर आपको इसके अंदर ट्रैवल करना है तो आप कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट में सिर्फ स्लीपर क्लास में टिकट भी मिल जाता है, कन्फर्म नहीं होगा तो RAC तो आपका आराम से हो ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके जरूर से जाए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक करने का मूड है तो आप वो भी कर सकते हैं, कमेंट करके अपना बेस्ट पार्ट वर्स्ट पार्ट बता सकते हैं, न्यू ट्रेन जर्नीज मुझे बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद।